आज का भाई जो अपनी वीडियो है वो होने वाली है अपने i20 के लोअर बम्पर के ऊपर। ये गया यहाँ से टूट, वैसे तो रिपेयर हो जाता पर अपना रिपेयर कराने का मन नहीं है, नया लेंगे और उसको रिपेंट कराएंगे। उसकी पूरी प्रोसेस ये रहेगी, चाहे बम्पर कोई सा भी हो, प्लास्टिक का गाड़ी का कोई सा भी पार्ट हो, किस तरीके से प्रॉपर पार्ट आपका पेंट होना चाहिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। बाकी दिखाता हूँ मैं आपको बम्पर। तो भाई ये है अपना बम्पर, लोअर बम्पर। ये अराउंड हमें पड़ा है 1600 रुपये के अराउंड पड़ा है। बाकी अगर हमने कंपनी से बात करी थी तो वहाँ हमें 5500 रुपये का पड़ रहा था और हमें ये पेंट 400 रुपये का हमारा पेंट आया, बाकी पेंटर का जो चार्ज लगेगा लगेगा। तो हमें ये अराउंड पड़ेगा हमें 2200-2300 का, और यही चीज़ हम अगर कंपनी से कराते तो हमें 5500 की पड़ रही थी। एक बार मैं आपको प्रोसेस बता दूँ इसकी कैसे कैसे होएगी, वही चीज़ मैं आपको पूरी एक बार होते हुए भी डाल के दिखा दूँगा कैसे होएगी। सबसे पहले जो हमारा बम्पर होता है ना, प्लास्टिक चाहे अगला बम्पर हो चाहे पिछला हो, मेन मोटिव मेरे को आपको यही बताना है कि जो बम्पर है हमारे वो पेंट होते कैसे हैं और प्रॉपर तरीका क्या है। पहला स्टेप ये है, ये हमारे बम्पर होते हैं काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, स्मूथ होते हैं काफ़ी, इन पर पेंट इतना अच्छा बैठता नहीं है। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा स्टेप रहेगा इसके ऊपर रफ करने, इसको रफ करेंगे। रफ करने के लिए इसके ऊपर सैंड पेपर लगेगा, 400 तो नहीं, 600 या 1000 जो भी लगेगा। सेकंड स्टेप हमारा ये रहेगा इसके ऊपर प्लास्टिक प्राइमर रहेगा, ताकि जो हम पेंट करें ना वो हमारा इसके ऊपर इजीली स्टिक हो जाए और अच्छे से लॉन्ग लाइफ तक टिके पेंट। थर्ड स्टेप हमारा रहेगा इसमें पेंट का, और फोर्थ स्टेप रहेगा क्लियर का ग्लोस के लिए। ये फोर्थ स्टेप पर हमारा पूरा पेंट का प्रोसेस कम्प्लीट हो जाएगा, बाकी मैं आपको पूरा एक बार होता हुआ दिखाऊँगा। तो जो पेंट हमने लिया है, एक तो ये पेंट इसमें थिनर है, आधा थिनर पेंट के साथ यूज होएगा, और ये सबसे पहला स्टेप रहेगा PPP, दूसरे पे पेंट, तीसरे पे क्लियर, क्लियर ग्लोस का काम करता है। सैंड पेपर होगा जो हमारा, वो होगा 1000 नंबर का यूज़। बाकी मैं दिखाता हूँ आपको वेट सैंडिंग कैसे करते हैं, स्मूथ कोर्स एकदम मैटी बना देंगे ताकि उस पर ग्रिप अच्छी बने। ये हो चुकी है अपनी वेट सैंडिंग कंप्लीट, पूरे हमारे इस पे पार्ट पे लोअर बम्पर पे रफनेस आ चुकी है, देखो सारी रफनेस आ चुकी है। अब इस पे पेंट काफ़ी अच्छे से बैठेगा प्राइमर लगने के बाद। पूरा तो मैं आपको दिखा नहीं सकता था कि किस तरीके से होएगा, ये बहुत टाइम लगा उसमें, मतलब मैंने तरीका तो दिखा दिया आपको किस तरीके से होएगा, लेकिन पूरा होते हुए नहीं दिखा सकता था। अब इसको क्लीन करेंगे पर क्लोथ से, उसके बाद प्लास्टिक प्राइमर अप्लाई करते हैं। ये हो गया अपना लोअर बम्पर पेंट कंप्लीट। इसका मैंने लास्ट स्टेप डाला ही नहीं है क्लियर वाला, जो फर्स्ट तो इसका हुआ था सैंडिंग, सेकंड स्टेप इसका हुआ था प्लास्टिक प्राइमर वो मैंने डाल दिया, और थर्ड पार्ट हुआ था इसका पेंट, और फोर्थ हुआ था क्लियर। क्लियर मैंने नहीं डाला क्योंकि नहीं करा फोर्थ पार्ट डालने का, क्योंकि मैं इसको छोड़ के आ गया था एक भाई को साथ में कि इसको पेंट करा लियो। उस पेंटर ने क्या करा, मतलब चलो ठीक है हमने पेंट बूथ के पैसे तो नहीं दिए थे इसके चार्ज, लेकिन डस्ट जहाँ मिट्टी थी उसी के ऊपर ही पेंट कर डाला, कहीं से कम ऐसी जगह तो पेंट करता जहाँ पे ऐसे खुली डस्ट रेत मिट्टी ना होती। अब उसकी वजह से क्या हुआ, कुछ जगह का ढंग से देखो, ये तो सारे स्पार्कल्स हैं जितने भी दिख रहे हैं पेंट के अंदर, ये तो
ये देखो ये ड्रॉप है जैसे डस्ट है इस पेंट में, बाकी हम 50% तो इसका ऊपर ऊपर का जो होगा वो तो रिमूव कर सकते हैं सैंडिंग और अभी रबिंग करके। लेकिन जब भी अगर आपने कराना है ना पेंट, तो कोशिश ये करो कि ओपन फील्ड में ना करा के ना किसी क्लोज एरिया में पेंट कराओ। बाकी मैं आपको बता दूं पेंट का मेरा चार्ज गया है 300 रुपये, वो भी बस मज़ा तो नहीं आया, लेकिन पेंट में तो मज़ा आ गया अपने पूरे उसमें स्टेप बाय स्टेप में। लेकिन बस एक कमी जो थी ना वो कमी यही रह गई कि पेंट सही जगह नहीं कराया मैंने, बस एक होता है ट्रस्ट वाली बात, बाद में ट्रस्ट पे ही थोड़ा सा मेरे साथ वो हो गया। नहीं तो मैंने तो ये सोचा था कि पेंट तो उसका होल बहुत बड़ा था काफ़ी, एक साइड में छोटा सा पैनल ही तो है ऐसे ही कर देगा, लेकिन उस भाई ने बाहर कर दिया, मैं उस टाइम प्रेजेंट नहीं था, नहीं तो मैं करवाता खुद से। बाकी पेंट प्रोसेस हमेशा ही रहता है, बाकी हर मिस्त्री का अपना हिसाब है, कोई नीचे बेस पेंट मारता है, कोई अस्तर मारता है। बाकी इसके आगे अगर जैसे इसमें डस्ट वस्ट है छोटी मोटी उसका भी ट्रीटमेंट है, उसमें 50-70% चली जाएगी, जो पेंट के काफ़ी डीप अंदर है ना फर्स्ट स्टेप से ही जो अंदर है इसके वो नहीं जाएगी, लेकिन 50-70% डस्ट अब भी निकल जाएगी इसकी। उसके लिए मैं एक वीडियो मैंने पहले ही बनाई है, मैंने एक पेंट वाली गाड़ी का करा था रबिंग और डिटेलिंग उसकी करी थी, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी हमारे एजेंसी में 5500 रुपये का हो रहा था पेंट, हमने जैसे तैसे करके 2300 रुपये में अपना पूरा काम कर लिया है।